मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग। मित्रों कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और वहां से माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो और तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ छुड़ाने क्यों नहीं आए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित रह गई और फिर उन्होंने पूछा, बेटा कृष्ण ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मित्रों भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु आप महारानी केकई और आपके पति महाराज दशरथ थे। मित्रों माता देवकी ने ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर फिर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है, जो 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था वह उन्हें इस जन्म में मिला है। मित्रों कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी को इस भू और मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। मित्रों अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्य और सदाचार की झोपड़ी में जाने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। Oh,